नया गांव मुंडाना से देर शाम शराब के ठेके पर आधा दर्जन बदमाशों ने लाठी डंडों व सरियों से धावा बोल दिया और ठेके पर सेल्समैन के साथ पैर तोड़ फायरिंग करते हुए गले में रखे 1.25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। भिवाड़ी थाना तहत रविवार की देर शाम को नया गांव मुंडाना में शराब के ठेके पर आधा दर्जन बदमाश ने फायरिंग करते हुए सेल्समैन ध्रुव शर्मा व देवकरण के हाथ पैरों को तोड़कर धमकी दे भरे अंदाज में 50,000 रुपए की मंथली की बात कही और साथ में कहा कि 50,000 रुपए नहीं देने पर जान से भी हाथ धोना पड़ेगा और शराब के ठेके नहीं चला पाओगे। वारदात करते समय दो बदमाशों ने हथियार लहाड़ते हुए अपना नाम आसिफ व दूसरे ने दीपक दायमा उस बल्ली बताया और फरार हो गए। ठेके के मालिक मिंटू पुत्र दयाराम गांव भोगीपुरी ताबूड़ा हरियाणा ने दो बदमाशों के नाम बताते हुए नाम दर्ज शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में 22 अप्रैल को सूरज सिनेमा के ठेके पर 70,000 रुपए की लूट की थी। वह एक स्विफ्ट कार को सरियों व डंडों से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया था। यदि भिवाड़ी थाना पुलिस पहले मामले में संज्ञान लेती तो यह दूसरी बार उन बदमाशों की हिम्मत नहीं होती न वारदात को अंजाम दे पाते। फिलहाल भिवाड़ी थाना पुलिस ने पहले की तरह मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित व ठेके स्वामी को दिया है कि जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? ध्रुव शर्मा। क्या घटना घटी थी आपके साथ कल? साहब हम ठेका पर काम कर रहे थे 5 और दुकान बढ़ा करके और रोटी खाने की तैयारी 9:30-9 बजे करेंगे। अच्छा। 5 लगवाए मेरे लात मार मेरे गुलटारिया सरिया लड़की मेरे को मार रखो। कितने लोग थे बोलो? 5 आदमी। फायरिंग भी किया? फायरिंग की थी। उसके बाद हम और तहसीलदार को फोन किए तो हम हॉस्पिटल आ गए। कैश भी था कुछ? पैसा था 1,16,000 था। अच्छा। बोले गए तो क्या नाम है तुम्हारा? देवकरण। देवकरण क्या घटना घटी थी? घटना से साहब 8 बजे से पहले वो आए थे, आते अंदर घुसे, आते उन्होंने तमंचा लेकर के तुरंत कैश को लेकर हमारे साथ मारा पीटी करके कैश को ले गए। कितना कैश होगा? कैश करीब था साहब 1,40,000-30,000 से समथिंग। 1,40,000-30,000। फायरिंग वहाँ की है? फायरिंग की है? हाँ, एक बाहर जाकर आवाज आई, एक फायरिंग की थी सर उन्होंने। हाँ। और बाकी तमंचा दो जने पे तमंचा थे, दो लोग थे है ना, लोग 4-5 थे, तमंचा दो लोगों पे थे। तो किसी गोली भी मारी? गोली तो ऊपर फायरिंग करा उन्होंने। कितने बजे की बात होगी? यही साहब करीब 7 बजे के हैं, 40 मिनट की बात होगी।